दिल्ली के अंदर अभी तक 10,054 केस टोटल हुए हैं। जैसा मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि केसेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन लोग बीमार पड़ रहे हैं और ठीक हो के घर जा रहे हैं। 4,485 लोग ठीक हो गए हैं, यानी कि 45% लोग ठीक हो गए। 160 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से, नहीं होनी चाहिए थी। कोशिश कर रहे हैं हम एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, लेकिन एक औसतन तौर पे देखा जाए दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों में जो है, तो इतने मामलों में जो मौत हुई है वो अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा कम है। लेकिन हम कोशिश करते हैं एक एक व्यक्ति की जान बचाने की। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिमनेजियम स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम्स असेंबली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चरल रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगे। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे, कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर स्पा और सलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा, केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा फटफट सेवा इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा, एक बस में 20 से ज्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। व्हीकल्स और इंडिविजुअल्स का मूवमेंट अलाउड होगा पूरे दिल्ली में। 4 व्हीलर्स के अंदर 2 पैसेंजर से ज्यादा अलाउड नहीं होंगे और 2 व्हीलर के ऊपर पीछे बैठ के सवारी अलाउड नहीं होगी, पीछे पिलियन राइडर अलाउड नहीं होगा।
सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी स्टाफ के साथ, लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑफिस वाले ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम रहे। सभी मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे दुकानें ऑड इवन के हिसाब से काम करेंगी, आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो रोज खुलेंगी। जितने स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं, वो सारी खुलेंगी, लेकिन हर शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अगर किसी दुकान के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही तो दुकान बंद कर दी जाएगी। जितने इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन इनके टाइमिंग्स को थोड़ा सा स्टैगर कर दिया गया है भीड़ को रोकने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में केवल दिल्ली में रहने वाले जो वर्कर्स हैं वही अलाउड होंगे। अभी ट्रांस बॉर्डर वर्कर्स अभी लाना, बाहर से वर्कर्स को अभी लाके वो अलाउड नहीं होगा। शादी के लिए केवल 50 गेस्ट्स अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। फ्यूनरल के लिए केवल 20 लोग अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। इंटर स्टेट पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि बॉर्डर के ऊपर नर्सेज को, डॉक्टर्स को रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि बॉर्डर के ऊपर डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सैनिटेशन पे काम करने वालों को, एम्बुलेंस को, इनको बिना रोक टोक के अलाउ किया जाएगा। और बॉर्डर के ऊपर इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए गुड्स और कार्गो के ट्रक्स जो हैं, चाहे वो खाली ट्रक हों चाहे सामान से भरे हुए हों, उनको सबको अलाउ किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि मास्क पहन के निकलना अनिवार्य है, सबको मास्क पहने रहना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन करना ज़रूरी है। और बार 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 जितनी बार हो सके आप अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइजर से या साबुन से धोते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बड़ा कठिन समय है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आपने पिछले 2 महीने में तपस्या की है, आपकी तपस्या ये बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिलके कोरोना से जीत पाने में कामयाब होंगे।